हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 से 10 दिनों के अंदर जो आपके बचे हुए हैं अभी केमिस्ट्री पेपर के लिए, उसमें केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है तो भी ये आपके वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है बड़े चैप्टर्स को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले और बाद में फिर कम इम्पॉर्टेंट को। और अगर आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छी है तो भी आपके वीडियो ये काम का है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि अच्छे मार्क्स किस तरह से लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5 से 10 दिन क्यों लिखे मैंने यहाँ पर, देखो मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूँ अभी से 11 दिन है लगभग आपके एग्जामिनेशन में, 9 तारीख को आपका पेपर है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 4-5 दिन बाद भी अगर कोई इस वीडियो को देखता है, यानी कि 6-7 दिन अगर 5 दिन बचते हैं तो भी ये वीडियो उनके काम का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड का मोस्ट रिफाइंड चैनल है ये, और हम 2 साल से जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और केमिस्ट्री के भी दे रखे हैं पार्ट 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11th, 12th और 10th की काफ़ी सारी PCM की वीडियोस अवेलेबल है, आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है द मेरिटोरियस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स, नोट्स और PDFs को पाने के लिए। और हमारा एक टेक चैनल है, अगर आप टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चैनल जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर्स हैं, बट आपको बर्डन लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये 16 चैप्टर पूरे करने हैं आपको। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो ये आपको 16 चैप्टर नहीं करने हैं। काफ़ी सारे चैप्टर्स छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर अभी छोड़ने हैं उनकी हम बात करेंगे, और उसके छोड़ने की वजह से आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं, कौन से हैं वो हम बात करेंगे। 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसको आपको सीरियस से पढ़ना ही नहीं है। तो क्या हम ऑब्जेक्टिव भी नहीं पढ़ेंगे उसके? बिल्कुल पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव के पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा, टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने में, तो उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। तो ये आपके कितने चैप्टर बचे? 13 चैप्टर बच गए, यानी 3 चैप्टर का बर्डन यूँ ही कम हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, ऐसे 2 ही चैप्टर है आपके। तो ये 2 भी अगर आप टेम्परेरीली छोड़ दें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये 5 चैप्टर आपके कम हो गए, यानी कि आपके 11 इफेक्टिव चैप्टर बचे हैं। इसमें से भी मैं कम कराऊंगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 9 आपके बचेंगे, वो आप अगर करके जाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे की बात करते हैं हम। लॉन्ग आंसर जिसमें से आते हैं, ऐसे 3 चैप्टर हैं, यानी उनको सबसे पहले करना है आपको। और नॉन ऑब्जेक्टिव जिसमें से बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव आते ही नहीं है, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने का टेंशन ही खत्म, ऐसे 6 चैप्टर्स है। तो चलिए हम लिस्ट की तरफ चलते हैं। प्रायोरिटी वाइज मैंने लिस्ट बनाई है आपके चैप्टर्स की, के कौन से चैप्टर पहले नंबर पर आते हैं, कौन से उस पर आते हैं लास्ट पर, उसकी बात कर लेते हैं। देखो टोटल 16 चैप्टर हैं आपके, जिसमें से शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो उसमें से लॉन्ग आंसर्स आते हैं, ज़्यादा मार्क्स के जो है चैप्टर्स हैं वो लॉन्ग आंसर आते हैं उसमें, एक एक लॉन्ग आंसर। तो इसमें मैंने वेरी हाई प्रायोरिटी आपको दे रखी है कि सबसे पहले इनको जाकर अप्रोच करना है अपने को। बाकी के जो 6 चैप्टर हैं, यानी कि 9 तक वो जो चैप्टर हैं उसमें से लॉन्ग आंसर भी आते हैं, और आपके मतलब 4 मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर होते हैं जिसको आप शॉर्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी के जो चैप्टर हैं वो मेरी लिस्ट में लो प्रायोरिटी पर है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव या 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको बाद में आप कंसिडर करेंगे तो भी आपका चलेगा। मैं इस पर एक और बार आऊँगा, बताऊँगा किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, इसको एक बार और एनालाइज करेंगे अपन। पहले अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो किस तरह से आपको स्टडी करना है, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास आज से 10 दिन हैं और 5 दिन होंगे, तो भी कैसे करना है वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप 3 चैप्टर को इग्नोर करो जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के चैप्टर होने वाले हैं, उनको हम प्रिपेयर करेंगे। किस तरह से करेंगे ऑब्जेक्टिव के चैप्टर प्रिपेयर, उसकी भी बात अभी हम करने वाले हैं। आपको चूज करना पड़ेंगे
जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि मैंने लिस्ट दे दी है तो उस लिस्ट में आप पढ़ते जा रहे हैं, बाद में जो जो चैप्टर नीचे हैं वो आपके पढ़े हुए थे फिर भी आपने उसको छोड़ दिया, नहीं, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि अगर आपके पहले से कुछ चैप्टर प्रिपेयर हैं तो उनका रिविज़न तो चलता ही रहना चाहिए आपका, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहले 9 चैप्टर्स में से, कौन से पहले 9 चैप्टर्स हैं उसकी बात करते हैं हम, अगर पहले 9 चैप्टर जो हैं ये वाले, इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि इसमें से लॉन्ग और वेरी शॉर्ट तो नहीं, शॉर्ट जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो और इसमें से आपको चूज़ करना है कौन से चैप्टर आपको जल्दी याद हो जाते हैं और कौन से देर से, क्योंकि किसी बच्चे को ऑर्गेनिक नहीं याद होता है, किसी को फिजिकल याद नहीं होता है, तो अपनी अपनी प्रायोरिटी वाइज है। तो इस इन 9 में से कम 5-6 चैप्टर्स तो पहले आप तैयार कर लीजिए। चलिए अब वापस हम वहीं पर चलते हैं उसी स्लाइड पर, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, बचे हुए जो चैप्टर हैं जिसमें से 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 और 2 मार्क्स के, वो आपको करने हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव को कैसे प्रिपेयर करना है, तो ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, उसके लिए आपको क्या करना है, डेली रोज़ाना 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव या 3 चैप्टर के, अगर 3 के आपसे नहीं पढ़े जा रहे हैं तो 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है सिर्फ। अगर हम माने अभी से आपके पास 10 दिन हैं तो आप ये समझ लीजिए 10 चैप्टर आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि 16 में से 6 चैप्टर में से तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, यानी कि 10 चैप्टर ऑब्जेक्टिव के हुए आपके। कौन से ऑब्जेक्टिव के चैप्टर जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं, कौन से चैप्टर है उसकी भी हम बात कर लेंगे। देखिए 10 चैप्टर अगर माने हम और आपके पास अभी से 10 दिन हैं, अगर 2 चैप्टर रोज़ आप ऑब्जेक्टिव के पढ़ते हैं तो 2 बार आपका ऑब्जेक्टिव रिविज़न हो जाएगा, और बिलीव मी भरोसा कीजिए कि आप जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कुछ चैप्टर हमारे छूट जाएंगे आखिरी में, तो देखो इनको आखिरी में करना, अगर ये छूट भी जाते हैं आखिरी के जो आपके कितने चैप्टर हैं 12, 13, 14, 15, 16, 5 चैप्टर इनको आप छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि इनके छोड़ने से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे उनके, जो मैंने तरीका बताया उससे, बट अगर इनको आप छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन वाइज कितना नुकसान होगा, सिर्फ 2 और 2, 4 यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आपका नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इन चैप्टर्स को छोड़ने से, यानी आपके 5 चैप्टर का बर्डन ख़त्म हो गया और सिर्फ 4 मार्क्स का आपका नुकसान हुआ। और उससे भी ज़्यादा अगर बुरी हालत है, यानी कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो ऊपर के 2 भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो 9 चैप्टर्स हैं इनको बहुत अच्छे से कर लो, और ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के जिन जिन में से आने वाले हैं, मतलब जिनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं उसमें से तो ऑब्जेक्टिव करना ही नहीं है अपने को, जैसे ये चैप्टर है जिन पर मैं राइट लगा रहा हूँ इनमें से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो इनके ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल करना ही नहीं है आपको, बट जो शुरू के 9 चैप्टर हैं मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में उनको बहुत अच्छे से करके कर लो सबसे पहले, उसके बाद वक्त बचे तो बाकी के 2, फिर उसके बाद और टाइम आपके पास बच रहा है कि भाई हमें और याद करना है तो फिर ये 2 चैप्टर और बाकी के नीचे के 3 तो करना ही नहीं, क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव्स हमें करना है। तो ये जो है मेरी तरफ से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी कि कैसे प्रिपेयर करना है अपने को केमिस्ट्री के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।